वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट में, कुछ नए कंटेंट के साथ आपका स्वागत है। ह्यूमन एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन एज पिरामिड को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13, 12th NCERT, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमने तीन अलग अलग प्रकार के ह्यूमन पॉपुलेशन की एज पिरामिड को यहाँ कंसीडर किया है। एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा स्टेबल पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, और तीसरा जो है वो डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। नाम से ही क्लियर है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वो है जिसमें लगातार जनसंख्या बढ़ेगी। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब है कि जिसमें दिखा रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और डिक्लाइनिंग वो है जिसमें लगातार पॉपुलेशन कम हो रही है, घटती जा रही है। आपने एज पिरामिड के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। इसमें एक हमने लेना है प्री रिप्रोडक्टिव सेक्शन, जिसमें बच्चे आएंगे सारे, मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेकेंड केस में रिप्रोडक्टिव ग्रुप आएगा, जिसमें जितने यंग लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, जो सेक्सुअली मैच्योर हैं, वो लोग आएंगे। और थर्ड कैटेगरी जो है उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव कैटेगरी, यानी कि जिसमें ओल्ड एज पीपल आएंगे। तो ये बात आप ध्यान देंगे, प्री शब्द का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्री मीन्स होता है बिफोर, पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव इज द ग्रुप ऑफ मेच्योर पीपल, जहाँ पे प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगी। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आप देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी प्री रिप्रोडक्टिव वालों की ज़्यादा है। तो जिस घर में बच्चे ज़्यादा होंगे, कल को वो फैमिली बढ़ेगी, क्योंकि उनसे फिर उनकी जनरेशन्स आगे बढ़ेगी। और पोस्ट वाले कम है, ओल्ड एज लोग वहाँ कम है। ऐसे में जो शेप आ रहा है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के पिरामिड का, वो ट्रायंगुलर आ रहा है। नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों का ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, मतलब लगभग बराबर है। जितने बच्चे हैं उतने ही वहाँ जवान भी हैं घर में, ओल्ड एज लोग यहाँ कम है, तो पॉपुलेशन स्टेबल है। यहाँ जो कर्व का शेप आ रहा है पिरामिड का, वो बेल शेप आ रहा है। और थर्ड है डिक्लाइनिंग, जिसमें घर में बच्चों की संख्या कम है, मेच्योर्स या रिप्रोडक्टिव की ठीक है, और ओल्ड एज की भी कम है। तो जिस घर में बच्चे कम होंगे नियर फ्यूचर में, वो पॉपुलेशन कम ही होगी फ्यूचर में। यहाँ जो शेप आ रहा है वो अर्न शेप आ रहा है, स्टेबल में बेल, स्पेंडिंग में ट्राइंगुलर। अर्न शब्द का मतलब लोटा होता है, जिसमें बेस जो होगा वो भी आपका नैरो होगा, सेंटर में ब्रॉड होगा, फिर उसके बाद नैरो होगा। तो एक ऐसा शेप जो आता है, इसको अर्न शेप कहते हैं। ज़ीरो पॉपुलेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ होगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले अपडेट्स के लिए चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल क्लास 12th। Thank you so much. Stay tuned with me. Thank you.